सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। टी हार्वेकर कहते हैं कि आप मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। वो इस बात को इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनेयर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी जिंदगी का स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में हम सबसे शेयर किया है। इस किताब में लेखक हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17th वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी अमीर लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अमीर और सफल बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, जिसे वो खुद करके मिलियनेयर बने। ऑथर स्टार्ट करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो कि है TFAR। टी का मतलब थॉट यानी विचार, एफ का मतलब फीलिंग यानी कि भावना, ए का मतलब एक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, आर का मतलब रिजल्ट यानी कि परिणाम। यानी कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं, हमारी भावना हमारे एक्शंस को और हमारे एक्शंस तय करते हैं हमारे परिणाम को। आइए इसे समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे एक्शंस कैसे हमारे परिणाम को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस विचार से पैसे बचा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस भी लेंगे। वहीं अगर आप अमीर बनने और वेल्थ बनाने के विचार से एक्शंस लेते हैं, तो आप छोटा नहीं सोचते हैं, आपके एक्शंस उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हैं, तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, पैसे की आजादी और सफलता ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। लेखक कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारी मनी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो तय करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से मतलब परिणाम है यानी कि रिजल्ट। ऑथर के अनुसार हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट इन तीन कारणों से प्रभावित होता है। नंबर वन, भरवल प्रोग्रामिंग, यानी कि अमीर लोगों के बारे में अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार से जो सुनते हैं, वो हमारे माइंड को कंडीशंस करते हैं। जैसे कि गरीब अभिभावक का अपने बच्चे से बोलना कि ज्यादा पैसा सारी समस्या की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम की अमीर नहीं बन सकता है, या अमीर लोग लालची या सेल्फिश होते हैं। ये सब विचार हमारे अभिभावक अपने शब्दों या बातों से हमारे दिमाग में डाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब अभिभावक बुरे होते हैं या हमारा बुरा चाहते हैं। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि यही विचार एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके अभिभावक ने उनके दिमाग में डाले थे। वही अमीर अभिभावक अपने बच्चे को पैसे और जिंदगी के बारे में बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का परिणाम है। नंबर टू, मॉडलिंग। जिस तरीके से हमें कंडीशंस किया जाता है, वह है मॉडलिंग। हम बचपन से ही अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं तथा किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उनकी नकल करते हैं और यही हमारा संस्कार बन जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोई गरीब अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच व माइंडसेट को बदल करके कर सकता है। नंबर थ्री, स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव या निगेटिव इंसिडेंट, जैसे कि आपकी फैमिली को पैसे, गरीबी व कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और यह सब देखकर आपको पैसे का महत्व समझ आया और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरे परिवार को फिर से ये दिन ना देखना पड़े। तो देखा जाए तो आज के दौर में लगभग सभी व्यक्ति पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर वही बनते हैं जो यह बताई जाने वाली 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं। यही 17th वेल्थ फाइल दिखाती है कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितना बड़ा फर्क है। वेल्थ फाइल नंबर वन, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, वहीं गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये मानना जरूरी है कि आप अपने लाइफ, खास करके अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए आपका अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है।
नेक्स्ट, अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए। नेक्स्ट, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। यानी कि अमीर लोग खुद से वादा करके रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बनके ही रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो अमीर बन सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वह उसके लिए कभी भी कोशिश या काम नहीं करते हैं। वे अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरह एक्शंस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन गरीब मानसिकता वाले छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच सीमित होती है और वह अपने कंफर्ट जोन तथा सीमित संसाधनों के साथ ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो संयोग से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल जिंदगी जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आगे आसान रहेगी। नेक्स्ट, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह न करें, जाहिर है जब समस्या आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। नेक्स्ट, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आपको ये एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह असंभव है। आप वैसा आदमी कैसे बन सकते हैं जिसे आप नफरत करते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, वहीं गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें खींच कर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो आप उसे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी कि पैसे की महारत या खेल कैसे खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना होना चाहिए। नेक्स्ट, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी तो वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग, सेलिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं। अमीर लोग आम तौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास फ्लोवर्स होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपने भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सबसे पहले अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा, और जो लीडर अपना प्रचार नहीं करता वह लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीडर्स फ्लोवर से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना ये है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बन जाएं।
नेक्स्ट, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, वहीं गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट, बिजनेस प्रॉफिट या फिर सम्मान हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि उन्हें अपने कम आत्मसम्मान के कारण उनको लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं है। उनकी कोई तारीफ कर दे, उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट का जवाब कैसे देना है उनको पता ही नहीं होता। नेक्स्ट, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसों के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावनाओं का गला घोट रहे हैं। इसलिए अमीर लोग परिणाम के आधार पर काम को चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने समय के आधार पर काम को चुनते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, वहीं गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या तो हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अमीर लोग अलग विकल्प और चीजों को मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब कि वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही अलग अलग काम को करने से डरते नहीं हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो यह देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी खुद के समय में क्या नेटवर्थ है, और वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वह यह स्किल इंटरनेट और फाइनेंशियल बुक की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे को खर्च करने और फालतू बर्बाद करने में अच्छे होते हैं, ये अपने आस पास के लोगों से, लाइब्रेरी और टीवी को देख कर सीखते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा हार्ड वर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, वहीं गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर सोच वाले को डर नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वह उस डर को ना ही अपने ऊपर हावी होने देता है और ना ही उस डर को अपने अमीर बनने की यात्रा में बाधा उत्पन्न करने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और यही डर उनके सपनों, ख्वाहिशों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। नेक्स्ट, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं गरीब सोच वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, और जो यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जाना और सीखा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।